हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय समाजशास्त्री इरावती कर्वे के विषय में। वीडियो की शुरुआत इरावती कर्वे के जीवन परिचय से करते हैं। इरावती कर्वे का जन्म 15 दिसंबर 1905 में म्यांमार के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा पुणे के गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल हुजूर पागा में हुई थी। इनकी आगे की पढ़ाई फर्ग्यूसन कॉलेज में हुई थी। सन 1926 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके अतिरिक्त इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र की पढ़ाई करने के लिए दक्षिणा फेलोशिप हासिल की। इन्होंने अपना शोध समाजशास्त्री जीएस घुरिये के मार्गदर्शन में किया। सन 1928 और 30 के बीच में इरावती कर्वे ने जर्मनी की बर्लिन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। इरावती कर्वे ने सन 1931 से 1936 तक बॉम्बे में SNDT महिला विश्वविद्यालय में एक प्रशासक के रूप में भी काम किया था। इसके बाद इरावती कर्वे ने सन 1939 में समाजशास्त्र में एक रीडर के रूप में पुणे के डेक्कन कॉलेज से जुड़ी। इनकी मानव शास्त्र इंडोलॉजी के साथ साथ लोक गीतों को एकत्र करने, नारीवादी कविता का अनुवाद करने में गहरी रुचि थी। 11 अगस्त 1970 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इरावती कर्वे की कृतियां या रचनाओं की बात करें तो इरावती कर्वे ने अंग्रेजी और मराठी दोनों भाषाओं में समाजशास्त्र और नृविज्ञान से संबंधित विषयों के साथ साथ गैर वैज्ञानिक विषयों पर भी लिखा था। इन रचनाओं में भारत में रिश्तेदारी संगठन, पश्चिमी खंदेश के भील, हिंदू समाज एक व्याख्या, ग्रामीण समुदाय में एक समूह संबंध, बढ़ते कस्बे और उसके आसपास के क्षेत्र की सामाजिक गतिशीलता, महाराष्ट्र भूमि और लोग, युगांत, परिपूर्ति, भोवरा, आमची संस्कृति, संस्कारधानी और गंगाजल इत्यादि प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम इरावती कर्वे की अवधारणा या सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। इरावती कर्वे की अवधारणा नातेदारी की व्यवस्था के सिद्धांत के विषय में बात करें तो संपूर्ण भारत की नातेदारी का व्यवस्थित करने का श्रेय इरावती कर्वे को ही है। इरावती कर्वे ने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर संपूर्ण भारत की बंधुत्व व्यवस्था को 4 और भाषाई आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है, जो कि निम्नलिखित है। नातेदारी व्यवस्था को भौगोलिक आधार पर समझे तो उत्तरी क्षेत्र में हिमालय से विंध्याचल तक, सिंधु, पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और नेपाल जैसे क्षेत्र, मध्य क्षेत्र में राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि, दक्षिण क्षेत्रों की बात करें तो कर्नाटक, मालाबार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी ओडिशा व दक्षिणी बिहार, पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो म्यांमार, तिब्बत, असम और पूर्वी पहाड़ी के क्षेत्र आते हैं। नातेदारी व्यवस्था को भाषाई आधार पर समझे तो भारूपी परिवार, जिनमें पंजाबी, सिंधी, बिहारी, हिंदी, बंगाली, आसमी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया एवं कोकड़ी आते हैं। द्रविड़ परिवारों की बात करें तो तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, टोडा, कोडागु, कोलाई, गोष्ठी इत्यादि। आग्रेय एशियाटिक परिवारों की बात करें तो मुंडी, सौरा, संथाली, खासी, गढ़वा, भूमिया, जोंग, बोडो इत्यादि आते हैं। इरावती कर्वे के ग्रामीण और शहरी जीवन संबंधी विचारों की बात करें तो इरावती कर्वे ने भारत में सामाजिक संरचना का पता लगाने के लिए ग्रामीण और शहरी जीवन का पता लगाया। इरावती कर्वे ने मूल रूप से भारतीय समाज की संरचना जैसे ग्रामीण समुदाय में समूह संबंध, बढ़ते शहर और उसके आसपास के क्षेत्र की सामाजिक गतिशीलता के अलावा भारत में रिश्तेदारी संगठन को लेकर गहन अध्ययन किया था। इन्होंने ग्रामीण समुदाय के ऊपर अध्ययन करने के लिए पश्चिमी महाराष्ट्र में पूर्व पश्चिम धुरी के गांवों को चुना, जिससे कि भौगोलिक रूप से 3 अलग अलग वातावरणों का प्रतिनिधित्व किया जा सके। अध्ययन के लिए चुने गए गांवों में लोगों से इन्होंने बातचीत की। कर्वे के अनुसार अतिथि सत्कार सभी जातियों में केवल सगे संबंधियों के लिए होता।
था। ग्रामीण समुदाय में संबंध के बाद करवे और उनके सहयोगियों ने बढ़ते शहरों में सामाजिक गतिशीलता का पता लगाने के लिए अध्ययन किया। इनके अनुसार शहर भीड़भाड़ वाले और साफ सुथरे होते हैं। इसके अलावा शहर गांव से बिल्कुल अलग थलग छोटा और अतरंग समाज है। इरावती करवे का जाति संबंधी विचारों की बात करें तो इरावती करवे के अनुसार भारतीय जाति समाज अर्ध स्वतंत्र इकाइयों से मिलकर बना एक ऐसा समाज है जिसमें प्रत्येक इकाई व्यवहार का अपना ही कोई परंपरागत प्रतिमान दर्शाती है। इसके परिणाम स्वरूप ही मानदंडों एवं व्यवहार की बहुलता उत्पन्न हुई है। इरावती करवे के अनुसार जाति में पाए जाने वाले विशिष्ट अस्तीकरण में हिंदू धर्म अंतर्निहित है। करवे के अनुसार किसी भी समूह में जातियों की संख्या भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है।